अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखें माशाल्लाह खाने काबा सुभान अल्लाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी ज्यारतें देख रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड, हमने बड़ी सारी खजूर लिए दोस्तों के लिए जो जाएंगे कनाडा में। ये है वो पॉइंट जबले रहमत जैसे कहा जाता है। पाकिस्तान से इस्लामाबाद से उमरे के लिए जाना है इंशाल्लाह जाना, तो आप भी दुआ में याद रखिएगा, हम भी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं आपको सऊदी अरब में इंशाल्लाह। ये है हमारा होटल जहाँ पर हम रुके हैं, अंजुम होटल, और टावर 1 है और ये है टावर 2। और टावर 2 पे हम रुके हैं, काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है। और दूसरा, हरम शरीफ जाने के लिए ये रास्ता जो है शॉर्ट पड़ता है, क्योंकि बैक से ही जाते हैं बेसमेंट के थ्रू, वरना आप यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं, लेकिन ये बने हुए हैं यहाँ पे रास्ते। और तो यहीं से उमरा करने के लिए जाएंगे, तो फिर यहीं से सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी है अंजुम होटल का एंट्रेंस, और यहाँ ये बेच रहे हैं खजूर। दैट्स सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है अंदर से भी। ये देखें माशाल्लाह खाने काबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, जितना देखें ना आंखें भरती हैं ना दिल भर रहा है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला दोबारा हमें इसकी ज़्यारत नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें नेहरा कितना है, और ये माशाल्लाह तवाफ चल रहा है, उमरा चल रहा है लोगों का। और ये गेट नंबर 79 है जो सीधा इस तरफ ही आता है, आप ऊपर से तवाफ करें या फिर सीढ़ियों के नीचे आप यहाँ से जा सकते हैं घूम के। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और एस्केलेटर भी बना हुआ है, जो कि सीढ़ियों से नहीं उतर सकते, तो बहुत इजी वे है। और यहाँ पे सब जमजम भरने में लगे हुए हैं। ये है हमारा रूम जो थोड़ा काफी मेस्ड अप हुआ हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सामान है, और इस तरफ जो है वो लॉकर वॉकर और सारी चीजें हैं। और ये रहे काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये रूम बहुत अच्छा है, अंजुम होटल में हम लोग रुके हुए थे, अंजुम होटल मक्का में। और यहाँ से जो हरम का रास्ता था वो तकरीबन कोई सीमा वर्ड 5 मिनट्स भी नहीं, नीचे उतरो सामने ही है, 2-3 मिनट्स का होगा। और ये व्यू है हमारी विंडो से, और इस वक्त दोपहर हो रही है, और सुबह के मतलब दोपहर क्या सुबह हो रही है, सुबह के 11:30 हो रहे हैं। और लोग ये देखें, आना जाना लोगों का लगा हुआ है। ये है वो गली जहाँ से आना जाना है हरम शरीफ की तरफ, और बहुत ही अच्छा कूल सा कमरा है ये। और ये देखें इस तरह की सिटिंग भी है, ये है टीवी वगैरह, पानी वगैरह, कॉफी एरिया साथ ही है इसके। और मजे की बात, यहाँ ऊपर हर जगह हर रूम में इस तरह से डायरेक्शन बना हुआ है कि किबला किस तरफ है। सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रूम है, बहुत मजे का रूम है, व्यू भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर देखें हर वक्त कंस्ट्रक्शन जो चलती रहती है, यहाँ पर भी काम हो रहा है। इस तरफ हरम शरीफ है इसके, तो थोड़ा सा कवर हो रहा है खिड़की की वजह से। और यहाँ पर जो है वो जितनी भी धूप हो, जितना भी एक्सट्रीम वेदर हो, लोग काम पे लगे हुए हैं। और वो देखिए मेरे ख्याल से उनका भी लंच टाइम चल रहा है, जितने भी लेबर्स हैं यहाँ पर माशाल्लाह एक साथ खाना खा रहे हैं। तो चलें अब इंशाल्लाह मदीने की तरफ निकलेंगे, तो फिर वहाँ की भी वीडियो आपके साथ। ट्रेन का भी आपको बता, हाँ मदीने की ट्रेन है वो 2 बजे इंशाल्लाह आज, तो 2 बजे की ट्रेन है, तो वो भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी किस तरह की ट्रेन है, किस तरह का सफर है। फिर इंशाल्लाह मदीने जाके भी वहाँ की भी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वहाँ पे सुना है बहुत ही खूबसूरत और काम माहौल है बड़ा, और स्ट्रीट पे बहुत सारी इस तरह की चीजें जो है वो लगी हुई होती है सेल पे, सारा एक बाजार होता है, बड़ी खूबसूरत सा रौनक लगी हुई होती है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ ही रहिएगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं माशाल्लाह मक्का के गो ट्रेन स्टेशन पे, और अब मक्का से जाएंगे मदीना वाया ट्रेन। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन पे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा ट्रेन स्टेशन है। और वेट करें हम ट्रेन का, और ये देखें ये है जी ट्रेन स्टेशन, यहाँ का कितना खूबसूरत है। और जी यहाँ पर सब जो है वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए, और जी हम अब वेट करेंगे, क्योंकि 2 बजे के करीब जो है वो हमारी ट्रेन है, तो उससे पहले हमने यहाँ पर कुछ खाना पीना कुछ कर लेते हैं जो भी है, तो थोड़ी सी कॉफ़ी शॉफी या कुछ लेंगे ताकि गला बेहतर हो, और फिर आपके साथ जो है ट्रेन का सफ़र भी सारा मैंने शेयर करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये है जी जंगे ओहद, यहाँ पे हुई थी
माशाल्लाह से हम ज़ियारतों पे निकले हुए हैं। और ये रही सीमा, ये है जी जंगे ओहद का। सारे सहाबा कराम यहाँ पे मदफून हैं, उनके लिए आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें और फातिहा करें प्लीज़। ये सारी इनकी हिदायत लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये पहाड़ जंगे ओहद का पहाड़ है। और ये है मस्जिद कुबा, जिसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर किया अपने हाथों से। और वैसे की वैसे ही है। और यहाँ पे दो नफिल पढ़ने का क्या है, एक उम्रे का सवाब मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो सरे अंदर चलते हैं और दो रिकात नमाज नफिल अदा करते हैं। यहाँ पर आबे जमजम का पानी है जो खाली बोतल में लेकर आई हूं, उसको पहले भर लेते हैं। मस्जिद कुबा ये वाहिद है जहाँ पे जमजम भी मिल रहा है। किसका दिल करेगा यहाँ से जाने का भाई, किसका दिल करेगा यहाँ से जाने का भाई। ये जो कुआं है ये एक महीने पहले तक इसमें पानी था, चल रहा था। अभी इस कुएं को जो है सऊदी हुकूमत ने बंद कर दिया। इस कुएं के पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, मतलब दिस वाज वन ऑफ द वाटर्स एक्चुअली, और इसे जन्नत का पानी कहा जाता है। और ये अभी बंद है वरना इसमें से पानी निकल रहा था मुसलसल। ये है वो जगह गारे सूर जिसे कहा जाता है, जहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली थी और मक्की ने ज्यादा बनाया था। यहाँ पर ये ऑन टॉप ऑफ जहाँ पे लोग जा भी रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट विजिट करेंगे तो ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगी। अभी यहीं से आप घूम रहे गए। ये है वो पॉइंट जबल रहमत जैसे कहा जाता है, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा मिले थे। और ये मैंने ज़ूम इन करके मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गर्मी है, 30 डिग्री से ज़्यादा आई गेस, सख्त गर्मी है। लेकिन लोग जो हैं आए हुए हैं सारे यहाँ पे ज़्यारतों पे, और यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। और कंस्ट्रक्शन यहाँ भी बेतहाशा हो रही होती है, हर वक्त यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये है जबल रहमत, यहाँ पे लोग जाते हैं और फिर दुआ मांगते हैं। और यहाँ पर देखें इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल लगा के लोग बैठे हुए हैं। गर्मी भी बहुत है शदीद, और तरह तरह की जो है वो खाने पीने की चीज़ें, उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है काफ़ी कुछ। अभी भी मेरा गला काफ़ी ख़राब है, बट इससे खांस खांस के हालत बुरी हुई है, बट स्टिल सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ये सारी ज्यारतें देख रहे हैं। ये मक्का मुकर्रमा के हुदूद के थोड़ा बाहर होता है जो सारी ज्यारतें हैं जहाँ पर आई हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद मदीने का सफ़र इंशाल्लाह ताला, उस पर भी सारी कवरेज करके आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। स्टे विद सीमा ऑफिशियल हमारे साथ। सफ़र की आखिरी जोर की नमाज है, फिर हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। अल्लाह बस बार बार यहाँ आने की तौफीक अदा कर मेरे मालिक। सारी शॉप्स हैं यहाँ बनी हुई, आप इमेजिन करें कि यहाँ पे आप रह रहे हो और यहीं मस्जिद नबी में आप नमाज़ पढ़ लो। यहाँ पे ये जो कुर्सियाँ हैं ये फ्री दी जाती हैं, बस आप पे ये होना चाहिए कि आप इसको रिटर्न कर दें, बस दैट्स इट, इनको ना बस वो उसमें ही खुश हैं। और आप यहाँ पे कुरान शरीफ का हदिया कर सकते हैं, कुर्सियाँ खाना खिला सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे दे दें आप, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। नमाज के लिए जगह मिल चुकी है, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा आज, ये फ़्लाइट है अभी थोड़ी देर में। ये हम आए हैं खजूरों के बाग में, और ये आ रही सीमा वीडियो बनाती हुई। और ये देखें यहाँ खजूर ही खजूर हैं, नट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मुझे लग रहा है होल सेल की दुकान है, जो होल सेल की दुकान होती है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम आए थे खजूर की के बागात में, लेकिन अंदर यहाँ पे शॉप बनी हुई है
और हमने बड़ी सारी खजूर ली है दोस्तों के लिए जो जाएंगे कनाडा में। तो सारे दोस्त वेट कर रहे हैं तबरुकात के लिए, तरसते हैं यहाँ के लिए। तो हमने भी उनके लिए ले लिया है, दुआओं में भी याद रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी सारी चीज़ें ली हैं जो इंशाल्लाह मिल बांटे जाएंगे। फ्रेंड्स, सो माशाल्लाह वी आर डन विद उमरा, सारी चीजें हो गई हैं, ज़ियारत वगैरह भी हो गई है, और हमने माशाल्लाह पूरा मक्का और माशाल्लाह पूरा मदीना जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा, इबादत की, दुआएं की, जिन्होंने कहा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी। और जी ये ऐसी पुरसकून जगह है कि जहाँ पर आकर आप जो है ना हर चीज़ भूल जाते हैं, और वाकई में मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन कि क्या सुकून है माशाल्लाह से, और क्या मतलब आप हर चीज़ भूल के, सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें भूल कर आप जो है इबादत में लग जाते हैं। तो जितना भी मैंने दिखाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, थ्रू आउट जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। शुरू से जब से कनाडा से मैं निकली हूँ ट्रैवल करने, आपको बताया था कि बड़े सारे सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स इन अ सेंस कि ऑफ कोर्स आपको पता चल जाना है कि अब क्या होना है, अब क्या होना है, व्हाट नेक्स्ट, थंबनेल से और बाकी सारी चीज़ों से। तो जो कुछ है बहुत कोशिश की कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पेश कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा मुझे भी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हाजिर होंगी फिर एक नई वीडियो के साथ में, बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।